राज्यपाल महोदय श्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के ग्रामोत्थान, अंत्योदय इस दिशा में आपने सबने मिलकर के जो कार्य किया है और अभी जो मुझे उसकी एक झलक देखने का अवसर मिला, एक गौरव होता है कि जिस सादगी में पंडित जी ने जीवन बताया उसी सादगी के साथ जिन विचारों को लेकर के जिए उन्हीं विचारों को मूर्तिमंत करने के प्रयास के साथ और गरीब से गरीब के जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सके उस दिशा में आपने एक प्रकार से एक अच्छी प्रयोगशाला का निर्माण किया है। देश के किसी भी कोने में किसी को अगर ग्रामीण विकास कैसे करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग कैसे करना चाहिए, मातृशक्ति को एम्पावर कैसे करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के काम कैसे होने चाहिए, किसी भी विषय में अगर उन्हें अपने यहाँ काम प्रारंभ करना है तो यहाँ के काम से उसको सीधी सीधी समझ भी मिल सकती है, प्रेरणा भी मिल सकती है। तो एक प्रकार से आपने पंडित दीनदयाल जी के विचारों को ग्रामोत्थान और अंत्योदय के सपनों को साकार एक मॉडल रूप, एक लेबोरेटरी के रूप इस कार्य को विकसित किया है। उत्तम प्रकार के कार्यकर्ता भी निर्माण होते होंगे कि जो इस विचार को अन्य गांवों में आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पवित्र जगह पर मुझे दर्शन करने के लिए आने का अवसर मिला, क्योंकि जब पार्टी कार्यक्रम तय कर रही थी, स्वाभाविक है जिस प्रकार जब ऐसे कार्यक्रम बनते हैं तो किसी राज्य के बड़े शहर में ही कार्यक्रम की रचना होती है। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रार्थना की थी कि अगर क्यों न हम एक साल पूर्ण कर रहे हैं तो यहाँ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यहाँ चले जाएं, या पंडित दीनदयाल जी के यहाँ चले जाएं, या अटल जी के पैतृक गांव चले जाएं, कि जिन लोगों ने जीवन भर इस राजनीतिक विचार को लेकर के पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया, पीढ़ियां खप गई, उसके जो प्रेरणा स्थल है हम वहीं पर अपना एक साल क्यों न मनाएं। और उस विचार में से आज दीनदयाल धाम में ये कार्यक्रम हो रहा है। कईयों को आश्चर्य होगा कि छोटे से पंचायत में जाकर के कोई अपना पूरे साल भर की सफलता का इतना बड़ा अवसर क्यों मनाता है। मैं समझता हूं कि साल भर की सफलता का जितना संतोष, उसकी अपनी जितनी ताकत है, उससे ज्यादा ताकत दीनदयाल जी के जीवन से प्रेरणा में है। और इसलिए यहां से जो प्रेरणा मिलेगी वो आने वाले वर्षों में और अधिक काम करने का उत्साह बढ़ाएगी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चले, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं, और वो श्रद्धा और आस्था
मैं आप जैसा भाग्यशाली नहीं हूं, क्योंकि मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था। मेरा सार्वजनिक जीवन बड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन इतना स्मरण है, जब देश ने दीनदयाल जी को खोया था, उस दिन के खबरों में मेरे मन को बड़ा आंदोलित कर दिया था, और तब से जाकर के यात्रा चल पड़ी है। आज मैं फिर से उस महामानव के चरणों में प्रणाम करता हूं, और उन्होंने हम सबको जो शिक्षा दीक्षा दी है, चिंतन और चरित्र दिया है, मार्ग दिया है, मनन दिया है, हम उसी को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़े, यही वो हमें आशीर्वाद दें, हमें शक्ति दें। और आप जिस महान कार्य की नींव लगा करके बैठे हो, मुझे विश्वास है कि आपके पुरुषार्थ से यहाँ के सामान्य जीवन में भी जो बदलाव आया है वो और अधिक आएगा। यहाँ का जीवन अपने आप में एक संतुष्ट जीवन का उदाहरण बन के रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।